दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आज तारीख है 7 अप्रैल 2020। आज हमारा थर्ड लेक्चर हम लोग शूट करने जा रहे हैं, जो शाम होते होते बेटा जी आपके पास अपलोड हो जाएगा। अभी करीब सब 11 बजे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो NLM है, फ्रिक्शन है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है। मैं फिर से बता देता हूँ, 2013 से 2019 तक नीट के जो प्रीवियस पेपर हैं उन सबको हम टॉपिक वाइज रीसेट करके सारे प्रश्नों को उसी सीक्वेंस में सोल्व कर रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि पिछले 6 साल में इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन आए। तो कॉमन सेंस की बात है, जो पैटर्न एग्जाम का पिछले 6-7 साल रहता है वो 2020 में रहेगा। अचानक ऐसा नहीं कि 2020 में एग्जाम चेंज हो जाएगी, लेवल चेंज हो जाएगा, भाई जो पिछले 6-7 साल का ट्रेक है। इसलिए मेरा मकसद ये भी है कि आपको आइडिया भी रहे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और यहां मैं स्पष्ट कर दूं इसको देखने वाले जो लोग पहली बार देख रहे हैं, यहां हम केवल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे। वो तो सॉल्यूशन के साथ हमें थोड़ी सी थ्योरी जो ठीक लगती है उसको आसपास में कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो शुरू करें। ओके डियर, आए बोर्ड पे आ जाए तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन 32, मुझे टोटल 360 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देना है जो पिछले 2013 से 2019 तक आए। तो आज हम पहुंचे क्वेश्चन 32 पे। बाकायदा एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 blocks with masses M2, M3 are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied as shown in the figure, the masses move upward at constant speed. दोस्तों, और अगला कहता, what is the net force on the block? दोस्तों, the force constant, आप खुद कह रहे हो कि स्पीड क्या है, constant है। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स कहां से आएगा भाई, तो सिंपल सी बात है, ये आपका जीरो हो जाता है। देखने में तो लगता है एफबीडी बनेगी, थ्री वो डायग्राम बनेगा, पर तो जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। एफबीडी क्वेश्चन अभी आएंगे, थोड़े और भी आगे आएंगे। मैं एक बात हमेशा कह दूं, एफबीडी की इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है ना, वहां एक गुरु मंत्र ले लो कि एक सिस्टम के कभी दो त्वरण नहीं हो सकते ना, इस एक निकाय के, इस एक सिस्टम के दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकते। आएंगे थोड़ी देर बाद, आगे आएंगे। ओके डियर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो गया, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मेरा एक बहुत प्रिय क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको मैं कुछ ग्राफ के बारे में बेसिक बात करूंगा। ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्या कहता है कि द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ। किसका ग्राफ है? फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है। अगला स्पष्ट कहता है, इस ग्राफ की सहायता से चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। दोस्तों मैं इस ग्राफ से पहले आपसे थोड़ा सा बाहर आता हूं। ओके देखो डियर, सबसे पहले अपन बात करते हैं, विस्थापन होता है, फिर वेग होता है, फिर त्वरण होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ये शायद ग्राफ का इससे बेसिक कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप देखो, हम तीन प्रकार के ग्राफ इसके खींचेंगे जो सिंपल तीन प्रकार से होते हैं। इधर एस लें और इधर टी लें, सब में एस और टी है। एक कर्व ऐसे आएगा, एक कर्व ऐसे आता है दोस्तों, और एक कर्व को इस प्रकार से आ गया। मान लो सपोज करो ये एस टी, ये एस और टी। ये कर्व क्या कहता है? एस और टी स्पष्ट है। इस कर्व की स्लोप देखो डियर आप, ये थीटा, आप जानते हो ये क्या बन गया, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। तो हाइट अपॉन बेस क्या है? एस अपॉन टी। आप चाहो तो इसके डीएस बाई डी टी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोस्तों क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाती है। पहला पॉइंट बड़ा शानदार, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो कर्व ड्रॉ किया जाता है उसकी जो स्लोप है, वो उसकी ढाल है, वो हमेशा वेलोसिटी को इंडिकेट करती है। इज इट क्लियर? तो आप देखो यहां स्लोप क्या है, जीरो। इस वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहां स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहां स्लोप क्या है, वेरिएबल। तो वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, यानी यहां एक्सीलरेशन है। दोस्तों एक बहुत प्यारा सा पॉइंट हो गया। आप चलो आगे चले, आप अगला प्रश्न इसी का सेम, ये बहुत अच्छे पॉइंट डन क्लास करता हूं। अब मैं वी और टी के बीच देखो कर्व ड्रॉ करूं, ये वी और टी, ये वी और टी, फिर वो तीन कर्व, एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व। एग्जांपल कितने हो सकते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यहां दोस्तों फिर आप थीटा लो, फिर आप नोट करें टेन थीटा इक्वल टू वो क्या है, वी बाई टी। आप इसको चेंज ले लो, डीवी बाई डी टी, ये क्या हो जाता है, ए। आ जाओ दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि v और t की जो स्लोप है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सीलरेशन को। अब आप सपोज करो कि ये स्लोप ऐसे नेगेटिव हो जाता है तो ये एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन हो जाएगा, त्वरण है, मंदन हो जाएगा। यहां क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है,
एक्सीलरेशन जीरो है, यहां कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन है, यहां कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन है, और यहां वेरिएबल एक्सीलरेशन है। अब यहां एक बड़ी चीज आई जो जिस मुद्दे की बात पे मैं आ रहा हूं। अब आप इधर देखें दोस्तों, ये टी है और ये वी है, वी और टी के बीच में कर्व ड्रॉ किया तो इस कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो क्या है? साथ दे मेरा। आप सब कहते हैं दोस्तों v इक्वल टू क्या होता है? ds बाई dt। तो मेरे यारो ds क्या हो गया? v गुणा dt। वैसे देखा जाए तो ये फिजिक्स है, मैं फिजिक्स की भाषा में बात नहीं करना चाहूंगा आपसे, मैं सिंपल भाषा में बात करना चाहूंगा। तो आपको स्पष्ट पता लग रहा है, इसको समाकलन कर दो, इसको समाकलन कर दो, यानी इसके द्वारा कवर्ड एरिया जो है वो किसको बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को। उस पर थोड़ा और आगे आऊंगा अभी। यदि सारा कर्व लाइन के ऊपर है तो सबका एडिशन करना है, कुछ कर्व का हिस्सा लाइन के ऊपर है, कुछ लाइन के नीचे है, ऊपर का प्लस होगा नीचे का माइनस होगा, किसके लिए? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और डिस्टेंस आप जानते हो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें सबको जोड़ कर दिया जाता है। दोस्तों मेरी इस क्लास का बहुत बड़ा पॉइंट लगता है मेरे को कि वी और टी की जो स्लोप है वो बताती है एक्सीलरेशन को, ऐसे वी और टी के बीच जो कर्व है उसके द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो किसको बता रहा है? एस को। अब एक मोटी बात सुन लो, जब भी दो डेटाओं के बीच कोई कर्व खींचा जाता है तो उस कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो उन दोनों डेटाओं के गुणन के बराबर होता है। गांठ बांध ले फिजिक्स, वेक्टर इंटीग्रेशन करें, ये तो अब कुछ ट्रिक्स पे आओ ना भाई। फिर सुन लो, जिन दो डेटा के बीच कर्व ड्रॉ किया जाता है तो उस कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया, उस ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल उन दोनों आंकड़ों के गुणनफल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब उन दोनों आंकड़ों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है ये आपकी फिजिक्स जानती है। तो मैं जो अब बात बोली है सीधा देखो, मैं आपके क्वेश्चन पे ले आता हूं। इधर क्या है? एफ। इधर क्या है? टी। अगला साफ कहता है चेंज इन मोमेंटम। दोस्तों ये बताओ एफ और टी के बीच जो कर्व है, भैया कहां दिमाग की जरूरत है, भूल गया क्या? एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो ये ले मेरे यार, डीपी बराबर क्या है? एफ गुणा डी टी। तो एफ और टी के बीच जो कर्व उसका एरिया निकाल दे। अच्छा एक बात सुन, देखे कुछ हिस्सा लाइन के ऊपर है, कुछ हिस्सा लाइन के नीचे है। आपको पता है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर का एरिया अलग निकालो, नीचे का अलग निकालो, दोनों का माइनस कर दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोस्तों आपका एरिया एक, मानो इस एरिया को आप S1 कह दो, ये एरिया आपका S2 है, ये एरिया आपका S3 है, तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया कितना है इसे कवर्ड? तो पूरा कर दूं आपके लिए, 1 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 6, नहीं क्या? 2 मल्टीप्लाई 6, फिर ये क्या है? S2 है, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये कितना है? 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 है। फिर दोस्तों फिर लाइन के ऊपर आ गया तो फिर ऊपर चला गया, तो वो कितना भाई? 8 और 4, 4, ये तेरा कितना है? 4, 8 से 4, 4, और ये तेरा 6 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये तेरा बहुत ही, तो ये तेरा 8 से 4 से 8 तक है, और ये डिस्टेंस इसकी 3 तक है, ये डिस्टेंस इसकी 3 तक है, तो 4 मल्टीप्लाई 3, दोस्तों ये इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, आंसर आपका 12 न्यूटन आ गया। ठीक है डियर, तो 12 न्यूटन आपका इसका आंसर आ गया। हाँ तो मेरी बात समझ रहे हो? लो एक बार आपसे मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर दिया, मैं आपको फिर से बताता हूं इस चीज के बारे में। एफ और टी के बीच ये कोई एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है पूरा। एफ और टी के बीच कर्व है, अभी आपको बताया मैंने, जब भी किन्हीं दो डेटा के बीच कर्व ड्रॉ किया जाता है तो उस कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया उन दोनों डेटाओं के मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है। तो आ जा, एफ इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाई डी टी। ये तो आता है ना, ये नहीं आता तो भाई साहब क्या कहूं तेरे को मैं। डीपी इक्वल टू एफ डी टी, ये ले, ए तो चाहे तो इसको इंटीग्रेट कर दे ऐसे। ये तो फिजिक्स की कॉम्प्लिकेट भाषाएं होती है यार, सीधी सी बातें, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर ले, वो जो है वो आपका डीपी है। डीपी क्यों है? चेंज इन मोमेंटम। अगला क्या पूछता है? चेंज इन मोमेंटम। अब तेरे को इसका टोटल एरिया निकालना है। ये लाइन से ऊपर है, देखो ये एरिया लाइन से ऊपर आएगा, ये एरिया दोस्तों लाइन से ऊपर आएगा, इन दोनों का तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है डियर, और ये एरिया लाइन के नीचे है, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं बोर्ड की सहायता से। तो दो ऊपर है तो आप देखो ये ट्रायंगल है ना, तो 1/2, 2 × 6, अब इसका भी 6, ये तेरा 12, तो 6 6 कैंसिल आउट हो गया, 12 बच गया, तो आंसर 12 आ गया। बता अभी कोई दिक्कत? मैं इसको स्टे दोबारा किया है डियर, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर?
ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ भाई ठीक चल रहा है सब। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, हम इस क्लास के माध्यम से कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो अब प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। भाई मैं स्पष्ट कर दूं, सीएलसी ने 8 मार्च को अपना सिलेबस एंड करके हर बच्चे को कंप्लीट सिलेबस के साथ फ्री किया था, वो चाहे 11th हो चाहे टारगेट 12th हो। दोस्तों आप जानते हो हमारा फ्री अक्टूबर हो जाता है, इसलिए क्लासेज के नाम पे हमारा कुछ ड्यू नहीं था। हाँ, अब जो बच्चा हमारा 11th से 12th में कन्वर्ट हो रहा है, माफी उसको कहना चाहूंगा बेटा, जो बच्चा 11th से 12th में कन्वर्ट हो रहा है, आपके मिडास यानी मेजर टेस्ट एक तरह से चल रहे हैं, clclive.in पे हमारे पेपर पढ़े सारे, आप वहां जाके देख सकते हैं। और बेटा 14 अप्रैल के बाद आप फैसला करेंगे कि इसमें क्या होना है, क्लासेज कंटिन्यू होंगी कि नहीं होंगी, लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो अपने हाथ में नहीं है। ओके, मैं क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। अब क्वेश्चन 34। ए बैलून विथ मास एम इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ए वेयर ए इज लेस देन जी, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट इज सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए। देखो इसका अर्थ बताऊं क्या आपको, इसका अर्थ ये है भाई, ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे नीचे वजन बंधा हुआ है, तो वजन से गुब्बारा कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, किससे आ रहा है, ए से। अब आप इसमें से ऐसे वजन पटकते जाओ, नीचे नीचे पटक दिया, पटकते पटकते हो सकता है कि ये इतना हल्का हो गया ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, बस इतना खेल है। पहले गुब्बारा किधर आ रहा है, नीचे, फिर इसमें से मास निकाल दिया आपने कोई, तो अब जो मास बचा हो सकता है मास इतना कम रह गया कि हवा इसको वापस ऊपर की ओर या अपना ऊपर की ओर वो वापस जाए, क्लियर, इतना खेल तो है ना। आ जाओ तो भाई देखो, फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, फर्स्ट कंडीशन अपन देख लेते हैं। ये आपका ये बैलून है, ठीक है डियर, नीचे आ रहा है, इट क्लियर, आपका बैलून है जो नीचे आ रहा है, किससे आ रहा है भाई, एक्सेलरेशन से आ रहा है। माना इसका मास कितना है, एम, इस पे कौन लग रहा है भाई, जी लग रहा है, कहने की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों एक सिंपल से एस्पेक्ट के साथ ये आपका बैलून नीचे आ रहा है, लेकिन आप मान के चलो हवा का अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है ना, ध्यान दो ये बैलून है, इस पे दोस्तों mg किधर लग रहा है, नीचे की ओर, लेकिन हवा का एक फोर्स एफ बी, बी फॉर बैलून बोल देता हूं, अब उत्प्लावन बल बोलते हैं, हवा धक्का तो देगी ना ऊपर, लेकिन ओवरऑल बॉडी कहां रही है, दानचौ क्लास का एक गुब्बारा है, mg नीचे खींच रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, बट ओवरऑल गुब्बारा किधर आ रहा है, नीचे की ओर, तो भैया भारी कौन हो गया, मतलब बड़ा कौन हो गया, mg। तो दोस्तों इसकी इक्वेशन बनेगी mg माइनस fb इक्वल टू कैपिटल m, एक ही बात है, कैपिटल m बोल दो, स्मॉल m बोल दो, मल्टीप्लाई a, a क्यों कह दिया, क्योंकि बॉडी किससे मूव कर रही है, a से। अब आप आ जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं बोर्ड का अपना, अपने का। अब देखो अब ये क्या कहता है, यही बैलून है, कितना मास बाहर पटक दूं, माना कि मैंने इसमें से m नोट मास बाहर पटक दिया, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो इधर वो दो, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, बाहर पटक दिया, माना m नोट मास बाहर पटक दिया, तो कितना मास बचा भैया, m माइनस m नोट। अब देखो f भी किधर लग रहा है, बैलून पे, हवा तो वही है ना, अरे हवा तो वही है, वातावरण तो वही है ना, वो किधर है, ऊपर की ओर, mg किधर है, पर mg नहीं, यहां क्या होगा, m m नोट g, क्यों भाई बात पड़ रही है, m माइनस m नोट g, ये किधर है, नीचे की ओर। और अगला खुद कहता है कि स्पष्ट है कि विथ एन एक्सेलरेशन इट स्टार्ट्स मूविंग अप एन एक्सेलरेशन विथ ए, और उसी ए से, मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, ये उसी ए से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाए, इट क्लियर। तो अब इस बार ऊपर की जा रहा है, तो बताओ कौन किस में माइनस होगा, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो बड़ा कौन हो गया, ऊपर वाला, तो भैया ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो डीएस सीधी सी बात है, अब इक्वेशन क्या बनेगी, एफ बी, यस एफ बी माइनस एम नोट माइनस जी इक्वल टू किससे जा रहा है ऊपर, एम माइनस एम नोट ए, बोलो हाँ है ना। दोस्तों आगे तो कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा, फिर से देखो, एक गुब्बारा नीचे आ रहा है, किससे आ रहा है, एक स्टेशन से आ रहा है, आजा एम जी किधर लग रहा है, नीचे की ओर, अगले ने हवा को इग्नोर नहीं किया, हवा का उत्प्लावन बल है, अपथ्रस्ट फोर्स है, कितना एफ बी, फिर भी ओवरऑल गुब्बारा किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा बड़ा कौन, एम जी माइनस एफ बी बराबर एम ए। अब वो कहता कितना मास बाहर पटक दूं, माना एम नोट मास पटक दिया, तो मास कितना बचा, एम माइनस एम नोट, और वो कहता कि ऐसा करते ही वो ए की ओर ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो गया, तो अब बड़ा कौन हो गया, एफ बी माइनस एम नोट मल्टीप्लाई
जी नीचे की ओर, और इन दोनों के रिजल्टेंट के बाद भी अब हमारा बैलून कहां जा, ऊपर, एम माइनस एम नोट ए, क्लियर। बस इन दोनों का लो मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन पूरा कर दूं, ए मिटा दो उसको, तो मैं आ जाओ ये आपके लिए कर देता हूं डियर, एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम ए, और वो क्या है डियर, तो खुद देख, एफ बी माइनस एम माइनस एम नोट मल्टीप्लाई जी इक्वल टू एम माइनस एम नोट इक्वल टू ए, वेरी गुड। चलो डियर दो इक्वेशन है, अब तो आपका एक टाइम पास कर रहा हूं मैं, एम जी माइनस एम जी प्लस एम नोट जी इक्वल टू एम ए प्लस एम ए माइनस एम नोट ए, ठीक है डियर, ये आपका हो गया दो इक्वेशन। अब आप देखो ये सब हो गया, अब अपने को निकालना क्या है, अपने को रिमूव्ड शुड बी मास रिमूव्ड, यानी अपने को एम नोट निकालना है, तो ये आपके मेरी इच्छा नहीं है, जैसा अगला कहता है वैसा वैसा करना होगा। आप देखें डियर, इस एम जी से इस एम जी को आप कैंसिल आउट कर दें, ठीक है बस हो गया मेरा काम। देखो तो एम नोट जी इक्वल टू, इधर आओ, टू एम ए माइनस एम नोट ए, ओके डियर, एम नोट इधर ले लो, तो इधर लू एम नोट को, इधर लू एम नोट को, तो एम नोट जैसे इधर लूंगा मैं, क्या बच इसके अंदर क्या रहेगा, ए प्लस जी इक्वल टू क्या है, टू एम ए, अभी को गड़बड़ है क्या, अरे हो गया ना, टू एम ए अपॉन ए प्लस जी, टू एम ए प्लस अपॉन ए प्लस जी, ये लो 34 का दोस्तों आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आंसर हो गया, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें भाई, आराम से हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, जो AIPMT 2015 में आया है, और ये कोई एक फिर से कहता हूं ये कोई प्रश्न नहीं है, ये अपने आप में फिर FBD का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं इस, और हमारा जो सॉल्यूशन का मकसद वो यही है कि एक क्वेश्चन उठा रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन भी हो रहे हैं और उस क्वेश्चन के आसपास की हमारी पूरी थ्योरी भी हम लोग हमारी भाषा में लपेट रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यहां FBD की बात करेंगे, फ्री बोर्ड डायग्राम। दोस्तों मैं इस न्यूमेरिकल को मेरे हिसाब से कन्वर्ट कर लूं, माना ये मास एम ए है, ये मास एम बी है, और ये मास एम सी है, और डियर ये इस पे फोर्स एक एफ लग गया, इसका मास 4 kg 2 kg 1 kg है। ये अब आप थोड़ा सा एक सीन देखो, ये रस्सी नहीं है, समझाया अलग से बढ़ा के मैंने समझाया। अब आप देखो ये डायग्राम आपका बना हुआ है डियर, यदि इस पे मैं एफ फोर्स लगाता हूं तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि तीनों बॉडी को मैं धक्का दे रहा हूं इधर से, तो ये जो बी बॉडी है और सी बॉडी है वो वापस ए बॉडी धक्का दे रही है, तो ए बॉडी पे आप देख रहे हो हम तो धक्का दे रहे हैं उसको उस तरफ से, और बी और सी आपका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां फिर एक शब्द होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, क्या, संपर्क बल। इस जगह प्लीज ये दे, ये एक संपर्क फोर्स है F1, इसको मैंने इस तरह से बना के कोशिश की समझाने की, जिसको FBD कहते हैं। ऐसे ही यहां एक कॉन्टेक्ट फोर्स है जिसको अपन क्या कहते हैं F2, तो मैं इसको यहां F1 से डिफाइन कर दूं, इसको मैं F2 से डिफाइन कर दूं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये रस्सियां नहीं बंधी हुई भाई, ये केवल फिगर को अलग से बताने के लिए समझाया गया। अब आप देखो ये इस पे एक फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो ये एक फोर्स इस पे इस तरफ लगाएगा, ऐसे ये एक फोर्स इस पे इस तरफ लगाएगा, तो ये इस फोर्स इस पे इस तरफ लगाएगा। भूल जा फिजिक्स को यार, तीन बॉडी है, सुन ये तीन बॉडी, मैं धक्का दिया इस ए को, मैं धक्का इधर से दे रहा हूं, तो बता बी और सी क्या करेंगी, मेरे धक्का विरोध करेंगी ना, तो विरोध करने का मतलब क्या हुआ, धक्का देना हो गया ना, पुश करना हो गया, बस हो गया मेरा काम, ये FBD हो गई, समझ ले भाई, सुन ले, ये समझ में आ गया तो आगे तो फिर अप्लाई इसको करना क्या है। अरे भाई हमने LKG में एक बार ही पढ़ा था A4 Apple, A से लेके Z तक यार, उसके बाद A से Z हमारे काम नहीं आया क्या, बस जिंदगी में चीजें काम आती रहती हैं। तो आ जाओ डियर, क्या कहता है कि ये आपका बोर्ड फिगर था, इसको FBD बनाया। अब इस प्रकार के न्यूमेरिकल की पहली शर्त होती है कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल में एक प्रश्न में एक सिस्टम में एक निकाय में कभी दो त्वरण नहीं हो सकते। जैसे ये मान लो कि इंजन है, ये ट्रेन है, उसके पीछे 10 डब्बे जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों इन 10 डब्बों का क्या अलग अलग ए हो सकता है, या तो सारे डब्बे एक साथ स्पीड बढ़ाएंगे या घटाएंगे,
कहने का मतलब है एक ट्रेन के क्या अलग अलग डिब्बे का त्वरण अलग हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। वेग अलग हो सकता है क्या? हाँ, सबका एक साथ घटेगा, सबका एक साथ बढ़ेगा। तो बहुत प्यारा मटर है, इस प्रकार के न्यूमेरिकल में ए हमेशा एक रहे, एक मतलब एक वैल्यू रहेगी। आ जाओ जी, तो ए निकालो। तो डियर एफ इक्वल टू, कॉमन सेंस की बात, एफ इक्वल टू एम ए। अब एम क्या है? एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री या एम ए ले लिया, एक ही बात है। मैं एम वन बोलू एम ए बोलू, इसको तो समझने की कोशिश करना। दोस्तों ये क्या हो गया? एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी गुणा ए, तो ए इक्वल टू एफ अपॉन एम ए एम बी और एम सी। एफ का मान कितना है? 14। फिर एम ए 4, एम बी 2, 1, 14 अपॉन 7 क्या आ गया? 2। लो डियर, एक बातों बातों आपका इसका एक क्वेश्चन का पार्ट भी पूरा हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात याद रखना, कैलकुलेशन एग्जाम में कहीं मुश्किल नहीं आती। अगर 14 लिया है, नीचे 7 ही लिया है, 6 नहीं लिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? बता दो इसको, आ जाओ। तो डियर सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कॉमन ए निकलता है, और यहां मैं उसको लिख दूं, वो कॉमन ए होता है एफ इक्वल टू ए। लो जी, मास का जो सीधी सी बात, टोटल मास कर दो, कैसे भी यार आपकी जो मास को सम कर दो। अब आ जाओ, अब देखो ये एफ वन है। अब आप इस बॉडी पे आ जाओ, आऊं तो इस बॉडी पे देखो, एफ वन धक्का इधर से दे रहा है, एफ टू धक्का उधर से दे रहा है, बताओ बड़ा कौन? अब आपको हमें क्या पता बड़ा कौन? अरे अभी सिस्टम ओवरऑल किधर जा रहा है? तो कलर चेंज करते हैं इसका अपन। सिस्टम दोस्तों ओवरऑल आपका इधर जा रहा है ना, तो सिस्टम उधर जा रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कौन सा वेक्टर प्रभाव अधिक दिखा रहा है? एफ वन। यस, थैंक यू डियर। तो आपका बन जाएगा एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू क्या जी? एम बी मल्टीप्लाई ए। बोला है ना भाई आपकी जो, मैं बहुत आराम से कर रहा हूं क्वेश्चन, प्लीज केवल एक न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं मैं, एफबीडी को डिस्कस कर रहा हूं कंप्लीट। तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स क्या होगा? एफ वन माइनस एफ टू। वो क्या करेगा? इसको मोशन करेगा, लाजो मोशन जो होता है, तो एम गुणा ए होता है, तो एम बी ए। अब आप दोस्तों इस एम सी पे आ जाओ, तो ये क्या है जी तेरे सामने? एक फोर्स है एफ टू, तो वाट इज एफ टू? वो क्या है डियर? एम सी ए, एम राइट। और यदि आप इस एफ की बात करेंगे, तो एफ की बात करो, तो आप एफ की बात करो, तो आप इस बॉडी पे आओ। चलो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ले कर दे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सोल्व करेंगे भी अपन। लास्ट में इसका फॉर्मूला मेरे पास है, मुझे फॉर्मूले पे आना है, बट मैं पूरा करना चाहूंगा आपके लिए। दोस्तों एफ माइनस एफ वन इक्वल टू क्या आएगा? एम ए ए। क्लियर? देखो पूरी बॉडी फोर्स कौन लग रहा है? एफ। यहां क्या लग रहा है? F माइनस एफ वन। यहां क्या लग रहा है? एफ वन माइनस एफ टू। यहां क्या लग रहा है? एफ टू। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल, आपका जो बल है वो विभाजित हो गया, एक तरह से अलग अलग बॉडी पे अलग अलग हो गया। क्लियर? अब डियर हम इन तीनों का सॉल्यूशन करेंगे, मैं पूरा बोर्ड पे सॉल्व करूंगा एक बार आपके लिए। अब इन तीनों को हम सॉल्यूशन करेंगे, तो डियर एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाए। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनी आप मेरे साथ में? एफ माइनस एफ वन इक्वल टू क्या बना? एम ए ए। मेरी दूसरी क्वेश्चन क्या बनी? एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू क्या बनेगा? बोलो बोलो, एम बी मल्टीप्लाई ए। और थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगी मेरी? एफ टू इक्वल टू एम सी ए। एम राइट? अब ऐसा करो, एफ टू रिप्लेस करो, तो एफ टू को रिप्लेस अपन करेंगे, आ जा, तो एफ वन जहां एफ टू लिखा हुआ है वहां क्या आएगा? एम सी ए। बोल बोल, हाँ ना, जल्दी बोल, ये एम बी ए। अब तेरे सामने F1 क्या आ गया रे? उसको उधर ले जा दोस्तों, क्या बन गया? एम बी प्लस एम सी मल्टीप्लाई ए। ये तेरा कौन आ गया भैया? बोल पुत्र, F1 आ गया। A की वैल्यू पुट कर ले, कलर चेंज कर लिया मैं, तो A की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको मैं B को अपनी भाषा में ये कह दूं, ये B और ये तेरा C, और ये F क्या था याद कर, ये F क्या था? ये ए क्या था तेरा? एफ अपॉन एम। तो टोटल तेरा एफ आ गया अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। ये ले जी। अब घर की बात ये है कि फर्स्ट बॉडी पे तेरे को फोर्स निकालना है, तो जो पीछे कोण बच गई दो, उनको डिवाइड कर दे ए से। इसी तरह से अब यदि तू इसका एफ टू निकालना चाहे, तो तेरे सामने एफ टू ये पड़ा, एफ वन ये हो गया, एफ वो हो गया, तेरे सामने तीनों न्यूमेरिकल आ गए भाई। क्लियर हो गया?
अब यदि इसको फिर से अपन शॉर्ट एंड स्वीट में करें तो आप खुद देखो दोस्तों, F2 इक्वल टू क्या आया था रे, एम सी मल्टीप्लाई ए, बोलो हाँ या ना, और F1 इक्वल टू क्या आया, एम बी प्लस एम सी मल्टीप्लाई ए, ओके डियर। और कैपिटल एफ की बात करें, आ जाओ कैपिटल एफ की बात करोगे तो कैपिटल एफ तो तेरे सामने ए मल्टीप्लाई सिग्मा एम है, तो दोस्तों वो क्या है, एम ए एम बी एम सी मल्टीप्लाई ए। लो जी मैंने पहले कहा न्यूमेरिकल सोल्व करना मेरा मकसद नहीं है, केवल दोस्तों एफ वन यानी देखो यहां एफ है तो तीनों मास को मल्टीप्लाई कर दो ए से, एफ वन है तो दोस्तों दो को मल्टीप्लाई कर दो, F2 है तो लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में क्या करना है, यहां खड़े हो तो जितने मास हैं मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, यहां खड़े हो जहां खड़े हो उसके आगे कितने मास हैं आप पुश कर रहे हो ना, उनको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात तो हुई, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, ए व बी के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स, ये लो जी ये तेरा ए और बी के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स एफ वन है, तो मैं सीधा तेरा एफ वन कर दूं यहां, तो एफ वन क्या है, एम बी प्लस एम सी, एम बी कितना है दो, एम सी कितना है एक, ठीक है डियर। तो ये तेरे सामने सामने क्या आ गया, दो प्लस एक, ए अपन निकाल चुके पहले कितना था अपना दो, तीन मल्टीप्लाई दो, आंसर दोस्तों क्या आ गया, सिक्स न्यूटन, क्लियर। तो तेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंसर आ गया, ओके थैंक यू। ओके दोस्तों मैंने उस न्यूमेरिकल में आपको एफबीडी के बारे में समझाया, पूरा डेरिवेशन किया, अब मैं इस एफबीडी का शॉर्ट जो आपको एग्जाम में याद करना है उसकी बात करता हूं। इसको तो हमने धक्का दिया था, ऐसे हम रस्सी की सहायता से खींच भी सकते हैं, ये दो एफबीडी दोनों बना दूं, बात शुरू करूं वापस से तेरे लिए, आ जा भैया देख लड़के, यहां मैं इसको कहूंगा एम वन एम टू और M3, और ये आपका दोस्तों फोर्स लग गया F, ठीक है। अब आपको यहां पर इनका सबका कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है, तो यहां कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है F1, यहां कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है F2, मुझे इनके कॉन्टेक्ट फोर्स निकालने हैं, ओके डियर। तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूंगा, मैंने पढ़ा दिया अभी बस थोड़ा सा शॉर्ट और अच्छा, क्यों मुझे लास्ट में भी, मेरा काम लास्ट में तैयारी कराना कॉम्पिटिशन की, सीधी सी बात है, हमारा मकसद है ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए, ठीक है डियर। तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, क्यों हाँ भाई सही है ना, इधर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कौन हो गया F1, ये फोर्स कौन हो गया F2। अब इस न्यूमेरिकल में डेरिवेशन नहीं करेंगे बार बार, अब सीधा ट्रिक पे आएंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल का ए बताओ, तो ए इसका होगा एफ बटे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ओके ये कुल एफ आ गया। अब आपको एफ वन निकालना है, ओ भाई दिमाग मत लगा, F1 इस आगे कौन है रे, M2 M3 है ना, बस इतना याद रखे, M2 M3 मल्टीप्लाई F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तेरे को F2 निकालना है, ओ भाई F2 किसको दिखा मार रहा है, किसको M3 को, तो बस ये तेरा M2 M3, ये तेरा कौन हो गया M3 मल्टीप्लाई F M1 M2 और M3, अब बस ये है, ये एपीडी है, क्लियर हो गया। अब एग्जाम में सीधा टेक करेंगे इस पेपर, जहां आप खड़े हो उसके आगे जो मास है उस मास को मल्टीप्लाई किसे कर दो ए से, और ए क्या होता है एफ अपॉन, तो आप खुद देखो यारो अगले मास से मल्टीप्लाई, ओके थैंक यू। यहां हम इनको पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, अब इनको हम पुल करते खींचते, तो खींचेंगे तो रस्सी बांधनी पड़ेगी ना। हाँ एक बात सुनना, हमारे मेडिकल में जो क्वेश्चन आते हैं वहां रस्सी का मास काउंट नहीं होता, ये आईआईटी वगैरह में अलग बातें होती हैं, एक तरफ सुन लो भाई, आईआईटी और मेडिकल की फिजिक्स में बहुत बड़ा फर्क है भाई, रात दिन का फर्क है, फिजिक्स नीट की फिजिक्स का लेवल जहां खत्म होता है भाई, रियल आईआईटी एडवांस तो उससे ऊपर जाके स्टार्ट होता है, इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल बुक से पढ़े, और मैं तो इस वीडियो के मैं साफ कहता हूं भैया एनसीईआरटी पढ़ लो या एक गाइड यूनिवर्सल की, यदि आप वो पूरी किताब ढंग से निकाल लो ना मेडिकल वालों, तो मैं नहीं मानता कहीं भी आप 160 या 170 से नीचे मार्क्स आपके आ सकते हैं, एवरेज बच्चे के आ सकते हैं, आए हमारे यहां तो भाई मैं नाम कोट नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे बच्चों के 160 मार्क्स एग्जाम आए जो सीएलसी के माइनर में कभी 100 नंबर पार नहीं करते थे, बट लास्ट टाइम बात मान गए थे और दो महीने मेहनत कर जाते हैं और ठोक जाते हैं। अब दोस्तों अपन एफबीडी दूसरे पे आते हैं, लो चलो जी एक बॉडी और इस बार ये F से खींच रहा है M1, M2 और M3, तो कॉमन सेंस की बात है यार, जब खींचना है तो रस्सी बांधनी पड़ेगी ना, कोई फर्क नहीं ज्यादा, आ जाओ कॉन्टेक्ट फोर्स, तो वही बात दोस्तों, यहां कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है
अब रस्सी बंधी हुई है तो इसको अपने अपने भाषा में टी वन कह सकते हैं, और तो क्या है, इसको टी वन कह दो, ये आपका कोण है टी वन, ये आपका कोण है टी टू, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है भाई, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा जी, ए, तो ए क्या होगा, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। अब तेरे को एफ निकालना है, कुल एफ निकालना है, तो कुल एफ क्या हो गया रे, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाई ए, अब ए को बार बार निकालूंगा। अब तेरे को टी वन निकालना है, मैं यहां डेरिवेशन नहीं करूंगा, फिर तो मतलब क्या है ट्रिकी क्लास का, टी वन निकालना है तो किसको खींच रहा है, एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाई ए, और दोस्तों तेरे को टी टू निकालना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, एम थ्री मल्टीप्लाई ए, लो जी आपका आंसर आ गया। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 36 नीट 2017 में आया है, 2017 एक अच्छा नीट का एग्जाम होता, अच्छा पेपर आए थे। देखो ये कहता है टू ब्लॉक्स ए एंड बी मासेस 3m एंड m, m मतलब केजी है, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस एंड एक्सटेंसिव स्ट्रिंग, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आफ्टर। देखो सुनो दोस्तों, पहली बात तो इस न्यूमेरिकल में ना तो रस्सी का मास लिया है, ना स्प्रिंग का मास लिया है, ना फ्रिक्शन लिया, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, नीट में प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है। अगला साफ कहता है कि दोस्तों ये एज एक स्प्रिंग है, तो एक स्प्रिंग है, उसके अपने पेटी लाइफ में हो, एक 3m का मास लटका हुआ है, रस्सी बंधी हुई है, नीचे m का मास लटका हुआ है, स्प्रिंग और रस्सी का कोई इसमें मीनिंग है नहीं, मतलब मास का मीनिंग है नहीं। अगला साफ कहता है कि डोरी को काट देने के तुरंत पश्चात ए व बी के त्वरण के परिणाम क्या होंगे, स्पष्ट कहता है, आप जुड़े हुए हैं, इसे पूरे निकाय को दर्शाया गया है, डोरी कौन सी है वाली, ए इस डोरी को यहां से बंदा काट देता है, ठीक है। जब ये डोरी नहीं काटता है, पहले उसकी बात करो, डोरी काटने से पहले स्प्रिंग ने खींच रखा है, स्प्रिंग बोले तो हेलो बीडू, स्प्रिंग बोले तो एफ इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है के एक्स, और नीचे कौन है एमजी, कितना एमजी 4mg, तो डियर आपके सामने सामने पहला क्वेश्चन आ गया एफ इक्वल टू 4mg, एफ इक्वल टू 4mg, ठीक है। अब मैं इसको यहां से काटता हूं, तो भाई साहब पहला एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इसको काटा मैंने, ये बॉडी फ्री हो गई, याद करो फ्री बॉडी जब भी कोई गिरना स्टार्ट होती है बिना पूछे किसी को, इसका त्वरण तो क्या हो गया जी, तो भैया दूसरे का तो जी है, तो इसमें आंसर अब या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, दो पे आ गए ना, दो तो गए, तो थोड़ा सा करना सिखा दूं आपको। अब डियर ये जो ए है इस पे मास कितना है 3m, थोड़ा सा ध्यान दो, स्प्रिंग है नीचे 4m का मास लटका हुआ था, तो स्प्रिंग बैलेंस थी, कॉमन सेंस की बात है, नीचे थोड़ा सा मास कम हुआ तो स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ऊपर ओर खींचेगी, mg किधर है नीचे की ओर, स्प्रिंग क्या है kx, फिर भी ओवर ऑल स्प्रिंग किधर जा रही, ऊपर की ओर, तो बड़ा कौन हुआ kx, हेलो बड़ा कौन हुआ kx, तो kx माइनस नीचे mg, कितना mg 3mg इक्वल टू ओवर ऑल सिस्टम किधर जा रहा है ऊपर, किस ए से, माना किससे जा रहा है ए से, तो वो क्या आएगा 3 ma, राइट बस, व्हाट इज के एक्स 4mg, 4mg माइनस 3mg इक्वल टू 3 ma, m कैंसिल आउट है दोस्तों, ये a कैंसिल आउट है, तो a इक्वल टू क्या आ गया g/3, तो ये g/3, तो ये आपका आंसर हो गया, ये गलत हो गया, बोलो हाँ या ना, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या सुनो कि खिलौना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोमेंट कर रहा है, और अगला साफ कहता है कि पहले एक सेकंड में वो रेस्ट कंडीशन से स्पीड रवाना होके 6 m/s तक का वेग प्राप्त कर लेता, सीन देखो ये खिलौना है, फील्ड लगाया, एक सेकंड में इसका वेग 0 से कितना हो गया 6, और यहां आते ही हमने केवल फील्ड की डायरेक्शन चेंज की है, फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं की है, डायरेक्शन चेंज की, तो इसका मतलब दोस्तों आगे फिर उसमें ब्रेक लग गए, ये जाके रुकेगा, और रुकने के बाद वापस ये घूम के आएगा, एक तरह से ये प्रश्न इस प्रकार से हो, पहले यहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, और फिर दोस्तों वापस घूम के
ऐसे आएगा, तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें डिस्टेंस अलग आएगी और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। हम बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप देखो ये स्टार्ट यहां से हुआ u इक्वल टू जीरो से और v इक्वल टू आया 6, कितने सेकंड में पुत्र t1 सेकंड में, तो यहां a निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v तेरा 6 है, u तेरा 0 है, a तेरे को फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू 1 है, तो दोस्तों ये 1 है तो तेरे सामने a इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि यहां फोर्स वही है, तो दोस्तों यहां a का मान 6 है तो यहां भी a का मान 6 होगा, उसको क्या बोल दो, माइनस 6 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, कि जो फोर्स था जो आपको एक्सीलरेट कर रहा था वही फोर्स अब आपको मंदित कर रहा है, आपको रोक रहा है, ठीक है डियर। तो अब आगे इसको स्टार्ट करें तो आगे कितने समय तक चलेगी, तो आपके सामने यहां आ जाओ v इक्वल टू यू माइनस ए टी, v क्या है 0, u क्या है 6, a क्या है 6, t इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो t इक्वल टू कितना आ गया पुत्र 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड तो यहां चली, 1 सेकंड तक आगे गई, पर कुल आपका घटना कितने सेकंड, 3 सेकंड, तो 1 सेकंड तक दोस्तों ये वापस आई। अब ये डिस्टेंस कितनी है ये निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला फिर से कर लेता हूं, लो मैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर क्या है 36, u स्क्वायर क्या था 0, a का मान क्या है डियर 6, तो ये s, तो ये तेरे सामने s इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर, ठीक है डियर। अगली डिस्टेंस निकाल ले तो वही कारण 1 सेकंड है, a का मान 6 है, वही छह, वही 3 मीटर आएगा, तो कहने का मतलब तो पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि अपने देखने में, ये डिस्टेंस भी कितनी है 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितनी है 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितनी है 3 मीटर, ओके बस 3 सेकंड में ये मोमेंट हो रहा है, देखो ऐसे गया यहां तक, ये एक्सीलरेट हुआ, रिटार्ड हुआ, वापस मुड़ा। अब अगला कहता एवरेज स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, 3 + 3 + 3 जोड़ दे भैया, 9 में किसका भाग दे 3 का, आंसर क्या आएगा 3, पहले क्या पूछे अगले ने स्पीड बाद में है ना, तो 3 आ गया आंसर। और एवरेज वेलोसिटी वो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, वो कितना है 3, वो 1 हो गया, तो डियर ये आपके सामने 1 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गति के समीकरण काम आ गए, आप कूल माइंड से जैसे जैसे कहता वैसे करते जाओ दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों अब हम आते हैं फ्रिक्शन वाले पार्ट पे, जो नीट 2013 में आया था, यहां मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, ये जो न्यूमेरिकल है ना इसका पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन को पढ़ के वहां कंप्लीट डेरिवेशन करके करके आए, कोई लाख में 2-4 बच्चे हो सकते हैं, बाकी तो वो न्यूमेरिकल्स हैं ये जिसकी प्रैक्टिस पूरी साल क्यों होती है, तो बच्चा दोस्तों इसको ढंग से देख लेता है। इस न्यूमेरिकल पे जाने से पहले पर इसको तो पढ़ा दूं, पहले मैं आपको 2-3 फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा, अल्टीमेट हमें इसके देखा जाए तो लास्ट में आंसर बच्चे याद से होते हैं और वो इसको टिका भी आता है, ये तो बहुत लंबा सा हो जाता प्रोसेस, पूरा करेंगे अपन, तो दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहते हैं दोस्तों, ये अपना क्या है, द अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ, ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड लोअर हाफ द प्लेन इज गिवन बाय। देखो दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, ये लो जी ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है डियर। अगला साफ कहता अपर हाफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ है, यहां तक जो आपका ये पार्ट है ये स्मूथ है, और दोस्तों ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, खुरदरा है, रफ है, फ्रिक्शन है। यहां से एक बॉडी स्टार्ट हुई, ध्यान दे मेरी बात पे, यहां से एक बॉडी स्टार्ट हुई, और अगला साफ कहता है लोअर हाफ ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से एक बॉडी स्टार्ट हुई यू इक्वल टू जीरो से, इसका एम दोस्तों मास है, ठीक है, और पहले हाफ में चली, फिर दोस्तों यहां तो इसके बढ़ेगी आप जानते हो, उसके बाद नीचे जब आई तो ये वापस बॉडी किस कंडीशन में आ गई दोस्तों, रेस्ट कंडीशन में आ गई, समझ रहे हो, यहां से फिसलना स्टार्ट हुई तो चिकना तरह फिसल के आएगी, बट यहां इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद वापस खुरदरा है तो रुकते 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 वापस यहां से रुक जाएगी। तो इतना कहता है कि दोस्तों म्यू की वैल्यू बताओ, ठीक है। यहां मैं एक चीज आपको इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं इस पे जो एक बेसिक चीजें बनती हैं उस पे आना चाहता हूं, ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ तो दोस्तों अब मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे ए क्या होता है इसकी बात आपसे करना चाहूंगा। देखो शुरू जी क्या होता है, जी क्या होता है, देखो डियर ये कोई हमारा प्लेन है और ये हमारी कोई बॉडी रखी हुई है, तो बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है, एक जी काम आता है हमेशा इस पे, कोई दिक्कत नहीं।
यदि मैं इसको प्लेन को थोड़ा इंक्लाइंड कर दूं थीटा एंगल पे और अब ये दोस्तों बॉडी में यहां रख दूं, तो निश्चित बात है कि ये पेंडुलम खींचेंगे, ये इसका मास जो है ये आपके सामने mg है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया mg cos थीटा, और ये आपका कंपोनेंट डियर क्या हुआ mg sin थीटा। तो कहने का मतलब है इस रास्ते पे अब जो दोस्तों आपका बना a, यहां जो अब इंक्लाइंड प्लेन पे a काउंट होगा, वो a इक्वल टू क्या काम आएगा दोस्तों g sin थीटा। सबसे पहले क्लास को यहां रोकें एक मिनट अपने साथ। यदि समतल प्लेन है तो क्यों कोण काम आता है जी, और इंक्लाइंड प्लेन कर देते हैं थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और उस पे कोई बॉडी मूव कर रही, वो चाहे अप हो डाउन से फ्रिक्शन बनने वाला है, तो उस पे त्वरण होगा जी साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, बट ये फ्रिक्शनलेस है अभी, क्लियर? ओके थैंक यू। हाँ तो डियर, अभी मैंने क्या बताया कि किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे ए रिप्लेस बाय जी साइन थीटा। अब इंक्लाइंड भी है डांचा क्लास का और फ्रिक्शन भी है यानी रफ्टअप भी है। प्लेन रफ्टअप कैसे होती है, इंक्लाइंड कैसे होती है, एक चीज बताने जा रहा हूं, हो सकता है टेक्निकली कई बार गलत लगती है लेकिन एक कंप्यूटर एग्जाम फिट है भाई साहब। देखना, ये कोई बॉडी है, ठीक है डियर। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू एम जी, ऊपर की ओर कौन आपका आर, ठीक है डियर। आप इसके ऊपर इधर कोई फोर्स लगाओ एफ, तो इधर इस पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन वैसे इंडिकेट एक्चुअली यहां किया जाता है, कोई खास बात नहीं, यहां से इसको दिखाते देखा जाए तो, लेकिन अपन ये भी कह सकते हैं कि इसको यहां भी दिखा सकते हैं, थोड़ा समझने चीजें होती हैं ये। तो दोस्तों एफ से आप इसको खींच रहे हैं, एफ इसका फ्रिक्शन, आप जानते हो फ्रिक्शन हमेशा गति के उल्टा लगता है। एम जी नीचे की ओर है, एफ की बजाय इसको केवल अपन एम जी कह दें, एम जी नीचे की ओर है, आर ऊपर की ओर है, ये बैलेंस कंडीशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस न्यूमेरिकल्स में जब जब बात आती है हमेशा एफ इक्वल टू क्या आता है mg आता है। बस थोड़ा सा ट्रिकी है मामला भाई, थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, सब कुछ वैसा ही है। यदि स्मूथ प्लेन सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है तो हम एफ की जगह इक्वल टू mg काम लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है टेक्निकल में जो बोल रहा हूं कई बार गलत लगे, बट न्यूमेरिकल में बेस्ट है। यदि ये सरफेस खुरदरी कर दूं, रफ टप कर दूं, फ्रिक्शन पैदा कर दूं, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जो एफ एम जी है प्लीज उसको रिप्लेस कर दो एफ इक्वल टू म्यू एम जी से। 100% सही है भाई ये, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों अब जो न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आया हुआ है जिसपे एक इंक्लाइंड प्लेन है जो खुरदरा भी है, हम उसकी बात चिकने की बात हम कर दी ना, कि यदि कोई इंक्लाइंड प्लेन है और वो चिकना है यानी फ्रिक्शन लेस है, तो ए रिप्लेस ए इक्वल टू जी साइन थीटा। कहने का मतलब है जहां जी काम आ रहा था वहां जी साइन थीटा काम आ जाएगा। अब अपन जो इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं उसको रफ्टअप कर लेते हैं, रफ्टअप का मतलब फ्रिक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा आपके सामने इसको करके दिखाता हूं, आ जाओ। चलो जी ये देखो जी, एंगल थीटा, ये आपकी कोई बॉडी है भाई, ठीक है। ये इसका सेंट्रो मास के देखते हैं, सेंट्रल कह सकते हैं, ये इस पे फोर्स के कंपोनेंट निकालने होते हैं। आजा डियर, ये एंगल थीटा, तो ठीक है भाई, ये तेरा मास तो हमेशा किधर होगा, डाउनवर्ड होता है, तो एम जी, ये एंगल भी क्या बन गया थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या बन गया, बोल बोल, एम जी कोस थीटा। ये कंपोनेंट क्या बन गया, एम जी साइन थीटा। और दोस्तों इधर कौन है, तो इधर आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये आपका फ्रिक्शन है, ये आपका कौन है फ्रिक्शन है, एफ से शो कर देते हैं। ऊपर की ओर दोस्तों आपका कौन होता है, आर होता है, ठीक है भाई, यहां तक देख ले भाई। और ओवरऑल बॉडी आपकी इधर मूव कर रही है किससे, एम ए से। यहां रुक जाए एक मिनट, इंक्लाइंड प्लेन है, बॉडी है आर, सरफेस के होता परपेंडिकुलर, एम जी, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा। वो एफ जो इंडिकेट किया अलग से मैंने, वो फ्रिक्शन फोर्स है जो हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। और एक आप जानते हैं साइड में शायद दोस्तों, एफ का रियल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, और यहां आर का मान क्या है, तेरे सामने सामने है एम जी कोस थीटा। तो एक्चुअल में एफ जो बनेगा वो बनेगा म्यू एम जी कोस थीटा। यहां का पहले से चीज को साइड में लिख दिया मैंने, एफ हमेशा आर को बैलेंस करता है ना, एफ हमेशा आर को बैलेंस करता है, बट यहां फ्रिक्शन है तो म्यू आर को बैलेंस कर रहा है, आर किसके बैलेंस कर रहा है, म्यू जी कोस थीटा। तो यहां दोस्तों एफ हो गया म्यू एम जी कोस थीटा। अब अपन इस मोमेंट की बात करें, बॉडी किधर आ रही है, नीचे की ओर, फोर्स लग रहे हैं दो, तो बड़ा कौन सा होगा,
जो नीचे की ओर है, तो वो कौन है भैया? शुरू हो जाए मेरे साथ, एम जी साइन थीटा माइनस एफ लिख दूं इक्वल टू क्या है, एम ए। सिंपल, हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है या हमें ए निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं डियर, आप वैल्यू पुट कर दें। आ जाओ जिधर आ जाओ, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ क्या है, म्यू एम जी कोस थीटा इक्वल टू क्या डियर, एम ए, एम 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 कैंसिल आउट है, देख कितना सुंदर हो गया रे, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। बस इसको याद करने का तरीका लिखे, यदि इंक्लाइंड प्लेन चिकना होता तो केवल जी साइन थीटा है, अब भाई इसमें से म्यू जी कोस थीटा माइनस कर दे, ये तेरे को लास्ट में भाई याद करना पड़ेगा। तू कहता नहीं नहीं मैं तो रट्टा नहीं मारूंगा, तो भाई कोई दिक्कत निकाल ले प्रभु, कौन मना कर रहा है। अब इसको मैं उस प्रश्न पे जाके अप्लाई करता हूं, ओके थैंक यू। आए अब क्वेश्चन पे आए। हाँ तो डियर, अब हम इस आता हूं, इस क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने पहले कहा था हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आसपास की थ्योरी को लपेट रहे हैं, क्योंकि भैया ये क्लास चल रही है अप्रैल में, आज 7 अप्रैल है, जुलाई का महीना नहीं है कि जब पूरा पढ़ाया जाए विस्तृत, अभी तो हमें इस नीट के लिए प्रिपरेशन करवानी है एक बार, तो ये क्लासेज हमारी नीट के लिए है जो मई के लास्ट तक होने वाली है। अब देखो डियर, अब जो पढ़ा उसको अप्लाई कर दूं मैं। ए देख भैया इसमें थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, तो डियर आप देखें लोचे, अगला स्पष्ट कहता है कि थीटा डिग्री पे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहां तक तो भैया वो स्मूथ है, यहां वो रफ टफ है, ये बॉडी दोस्तों बॉडी चली यहां से, हो जाए मेरे साथ स्टार्ट, बॉडी चली यहां से यू बराबर जीरो पे आई, यहां तक किसी वेलोसिटी में आई और फिर बीड़ू इसका अंतिम वेलोसिटी वापस क्या होगी, जीरो। ये तो है ना, ये तो क्वेश्चन है कि कोई वस्तु नत्तल पे पहले आधा पूर्ण चिकना है, अगला निचला आधा खुरदरा है, वो नत्तल के ऊपरी सिरे से पिसलना स्टार्ट करता है, गुटका प्रारंभ में रेस्ट कंडीशन में है और वह नत्तली पे विराम वापस यहां आ गया, तो इतना कहता बताओ कि आपका म्यू क्या है। तो ठीक है डियर, इसको पॉइंट ए कह दें, इसको पॉइंट बी कह दें, इसको पॉइंट सी कह दें। तो सबसे पहले हम पाथ ए बी की बात करें जी, ठीक है डियर, ए बी पाथ की बात करें और यहां की निकालें इसकी वेलोसिटी क्या है। तो याद है ना इस पार्ट पे दोस्तों कौन काम आएगा, जी साइन थीटा, एग्री, अब याद रखना पड़ेगा, इंक्लाइंड प्लेन है, चिकना है, जी साइन थीटा, तो यहां इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी साइन थीटा मल्टीप्लाई एस, जो डिस्टेंस है इसको एस कह दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ए किस रिप्लेस हो गया, जी साइन थीटा से, कोई गड़बड़ है, यू क्या है जीरो, तो डियर v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो v क्या आ गया, तू देखा जाए तो v आ गया 2gs sin थीटा का अंडर द रूट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यदि अपन इसको यहां से आगे लेके चले तो यहां v क्या है रूट 2gs sin थीटा और यहां v क्या हो गया वापस जीरो, ठीक है डियर, लेकिन यहां जो a है वो चेंज हो गया, इतना तो काम करना अपने को, यहां जो a है वो चेंज हो गया, तो दोस्तों इसको एक बार में मिटा देता हूं, तो यहां ए क्या होगा, इक्वेशन तो फिर वो ही लिखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बात तो ये करेंगे ना, अब v स्क्वायर क्या हो गया जीरो, u स्क्वायर क्या आ रहा है टू जी एस साइन थीटा प्लस टू एस, तो वही है जितना डिस्टेंस उतना, अब ए क्या है, तो ये ए आपको अभी पढ़ाया है, जी बाहर निकालो क्या था रे साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, आया ना, ओके। अब दोस्तों इसको अब ऐसा करो, आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो, ठीक है डियर, तो ये आपका जीरो है, जीरो इक्वल टू क्या है टू जी एस साइन थीटा प्लस टू जी एस साइन थीटा माइनस टू म्यू जी एस कोस थीटा, थोड़ा शॉर्ट कर दूं तो कहते यहां पे इसके इक्वल कर दूं, तो ये क्या हो गया रे फोर जी एस साइन थीटा इक्वल टू टू म्यू जी एस कोस थीटा,
तो भाई जी एस से जी एस कैंसिल आउट कर दे, दो से दो कैंसिल आउट कर दे, तो ये तेरा म्यू जो है ये कोस नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, म्यू इक्वल टू टू टेन थीटा, म्यू इक्वल टू टू टेन थीटा। दोस्तों 38 का आंसर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट आ गया, क्लियर। अब आप जरा बताओ क्या एग्जाम इतना कर पाओगे, पूछ ले भैया मैंने तो कर दिया। एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमेशा प्रैक्टिस से होते हैं। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल है इस न्यूमेरिकल को बेस बनाते हुए मैं आपको फिर से एफबीडी भी लेके आता हूं। पहले जो मैंने तीन बॉडी की एफबीडी दी थी वो तीनों बॉडी कहां थी, एक सरफेस पे थी। अब ये मान लो टेबल है कोई एक, तो टेबल पे दो बॉडी टेबल के ऊपर रस्सी से बंधी हुई है और बॉडी के टेबल के कोने पे गिरनी है पुली है और एक मास ऐसे लटका हुआ है, तो एक मास लटका हुआ है, दो मास टेबल पे है। अब ये टेबल भी दो प्रकार की है, एक टेबल फ्रिक्शनलेस और एक टेबल रफ्टअप। बस इसकी एफबीडी आपको बना के दिखा रहा हूं मैं, तो न्यूमेरिकल पे तो बाद में आता हूं मैं, सबसे पहले मैं आपको इस टेबल वाले फॉर्मेट की एफबीडी बना के दिखाता हूं डियर। तो आओ डियर ये मान लो कि आपकी टेबल है, एक मास M1 यहां रखा हुआ है, दूसरा मास चलो अपन एक ही मास लेते हैं, इसमें से दो मास, एक मास दो, दो तो दो अलग कर देंगे। माना कि डियर एक मास M1 है, ये आपकी कोई पुली है, इससे आपका कोई मास M2 इधर लटका हुआ है, आप जानते हो G नीचे की ओर होता है, ये एक आपकी व्यवस्था है, क्लियर। अब ये बॉडी ओवरऑल आपकी किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो भाई इस पे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, यहां स्पष्ट है इस M1 पे जब इसको ये खेस रहा है, जब ये M1 इस टेबल पे हॉरिजेंटल मोमेंट करेगा तो इसकी कोई वर्क नहीं करना होता है, आप जानते हो वर्क क्यों नहीं करना होता है, W इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा, मोमेंट बॉडी का इधर है, किसके अगेंस्ट, जी के अगेंस्ट, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये दोस्तों जीरो हो जाता है, इसलिए यहां पर ऐसा कोई नुकसान आपको नहीं होगा, किसी प्रकार का लॉस क्यों कार्य नहीं करना पड़ रहा, तो आपका लॉस किस लिए होगा। तो दोस्तों यहां जो पहली इक्वेशन बनेगी वो सिंपल बनेगी, ए इक्वल टू आपके सामने इसकी इक्वेशन बनेगी, एम टू किधर आ रहा है, नीचे की ओर, किस मोमेंट ए से आ रहा है, तो ये आपका मान लो कि टी है और ये आपका मान लो कि टी है, आ जाओ डियर, तो आपके सामने क्या क्या बनेगा, एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए और टी जस्ट इक्वल टू क्या है एम वन ए, वैल्यू पुट कर दो डियर, तो एम टू जी माइनस एम वन ए इक्वल टू एम टू ए। अब हमें क्या निकालना होता है, ए निकालना होता ना, तो ए को उधर अपन रिप्लेस कर ले लो, कर दो एम टू जी इक्वल टू एम टू ए प्लस एम वन ए, ए अपन इसको बाहर निकालते हैं, तो आपके सामने सामने क्या आ जाएगा, एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी। ओके डियर, ये लो जी, ये इस बॉडी का एक्सीलरेशन है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मास लटका हुआ है वो ऊपर आता है, नीचे दोनों मास का जोड़ करके जी से गुणा कर दो, ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तब है जब यहां फ्रिक्शन नहीं है, तो ये एक सुंदर सी एफबीडी होती है, सुंदर सी दोस्तों आपकी टेबल बन जाती है। ओके थैंक यू। अब हम इस न्यूमेरिकल पे आते हैं, एक अच्छा न्यूमेरिकल है जिसमें एफबीडी भी है और फ्रिक्शन के साथ है। देखो स्पष्ट है ये को टेबल है, इस टेबल पे एक एम वन मास नीचे लटका हुआ है, एम टू एम थ्री मास ऊपर रखे हुए हैं और ओवरऑल सिस्टम अगला खुद कह रहा है नीचे की ओर मूव कर रहा है। एक बात सुनो, एक सिस्टम में एक अभी दो हो नहीं सकते, बट यहां इस बार क्या है दोस्तों, फ्रिक्शन है, सीधी सी बात है, यहां पर इस बार फ्रिक्शन है। तो सबसे आपको क्या पूछा इसने, इसका एक्सप्रेशन पूछा आपको, क्लियर। तो अपन इसकी भी एफबीडी बनाते हैं और M1, M2, M3 सबके मास क्या है, MM है, तो FBD बनाते हैं और आपका आंसर भी निकाल देते हैं, क्लियर। शुरू करें, ओके डियर, हमने खाली कागज ले लिया टेबल पे। देखो डियर ये ऐसा क्वेश्चन है, M मास ये पुली और ये M मास, ओके, ओवरऑल बॉडी किधर आ रही है, नीचे की ओर, G किधर लगता है हमेशा, नीचे की ओर, कोई लफड़ा नहीं। अब आ जाओ, अब इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर लें, क्या फर्क पड़ता है भैया, इस एम एम को दोस्तों हम एक साथ टू एम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये एम मास आपका नीचे की ओर है, आप जानते हो डियर इस पे इधर एक एफ क्या है, फ्रिक्शन, इधर कौन है, टेंशन, इधर कौन है, टेंशन,
ओवरऑल सिस्टम किधर जा रहा है, एम मल्टीप्लाई ए, ठीक है, एम वन एम टू एम थ्री को सब रिप्लेस एम से कर रखा अपन ने, एम मल्टीप्लाई ए आ जाए, वही बात दोस्तों हमारी इक्वेशन बनाए, वही हमारी एफबीडी इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले इसके बनाओ, चलो नीचे आ रहा है तो बड़ा कोण है नीचे आने वाला, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब यहां पर देखो, यहां पर यदि यह फ्रिक्शन नहीं होता तो दोस्तों सिंपली टी रहता, बट यहां फ्रिक्शन है, टी उधर लेके जा रहा है, फ्रिक्शन विरोध कर रहा है, जा उस तरफ है, बड़ा कोण हुआ टी, यस टी माइनस एफ इक्वल टू टू एम मल्टीप्लाई ए। ओ भाई ये टू नहीं किया है, ये मास टू एम, इसलिए टू एम मल्टीप्लाई ए कर दिया। अब एफ क्या है, तो एफ मैं आपको समझा चुका हूं भाई, जब प्लेन सरफेस होती है और फ्रिक्शन आ जाता है तो एम जी रिप्लेस बाई म्यू एम जी, तो दोस्तों जहां एफ है वहां आपका क्या आ जाएगा म्यू एम जी, लेकिन डियर यहां भी एम क्या आएगा टू एम, क्योंकि एक्चुअल में मास कितना है 2m। ये लो जी ये इक्वेशन बन गई आपके, तो ये आपके सामने दोस्तों स्पष्ट रूप से दो इक्वेशन बन गई, एक है mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, और साथ दे क्लास मेरा t माइनस टू एम म्यू जी इक्वल टू टू एम ए। क्लियर, मुझे क्या पूछा अगले ने, अगला मुझसे पूछता है कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, लो जी इनको मिटा देता हूं मैं और आपके लिए सॉल्व कर देता हूं यार, वो सिंपल प्रक्रिया एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और दोस्तों टी इक्वल टू टू एम ए टू म्यू एम जी, ओ बिडू टी की वैल्यू रिप्लेस कर दे एम जी प्लस नोट प्लस सॉरी माइनस माइनस टू एम ए माइनस टू म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, हमें क्या निकालना है ए निकालना है, ठीक है डियर, तो ये टू एम ए जो है इसको आप ऐसा करो इधर ले जाओ, ले गए तो एम जी माइनस टू म्यू एम जी इक्वल टू क्या हो गया थ्री एम ए एम 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 कैंसिल आउट, हमें क्या चाहिए ए चाहिए, तो लो जी ए क्या हो गया, फिर कलर चेंज कर दूं आपके लिए मैं, ए क्या हो गया जी माइनस टू म्यू जी बाई थ्री, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसा है जी अगले ने भार लिया है वन माइनस टू म्यू बाई थ्री, और देखो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा, ओके डी हमने सॉल्यूशन किया, वो सॉल्यूशन आपका जो क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर है तीसरा आंसर है। तो अब आप खुद देखो यार इतने लंबे डेरिवेशन नहीं होते हैं, ये शॉर्ट एंड ट्रिक्स किए जाते हैं, ठीक है डियर, ओके थैंक यू, ओके डियर। अगला क्वेश्चन 40, लगभग 39 और 40 क्वेश्चन एक जैसे से ही है, सेम एफबीडी काम आएगी, पहले दो क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। एक गुटका ए का द्रव्यमान एम ओन एक क्षितिज मेज पे रखा, बस आगे ना मेज मेज आते ही बस एक कहानी आएगी दोस्तों, वो एक घिरनी है पुली है जिसका कोई फ्रिक्शन, देखो पुली का फ्रिक्शन नहीं होता है इसमें, कहीं पुली फ्रिक्शन नहीं, पुली का फ्रिक्शन नहीं मानेगा, रस्सी का मास काउंट नहीं करता, बहुत ईजी है मेडिकल, तो यार जिसके ऊपर से गुजरती हुई हल्की सी डोरी है, एक सिरा एक डोरी के दूसरे पे M2 द्रव्यमान का अन्य ब्लॉक है, गुटके और मेज के बीच म्यू के है, तो मेज पे ब्लॉक गुटका एक फिसलते समय डोरी में तनाव का मान क्या होगा। क्लियर, मुझे बताओ क्या नई बात है, वापस स्टार्ट करूं, नीचे कौन लटक रहा है एम टू, ए ऊपर रखा हुआ है एम टू नीचे लटक रहा है, ओके डियर हमें क्या निकालना है इसका टेंशन, प्लीज पेज खाली करके दे मेरे को, आ जाओ जी पेज खाली हो गया, आई डियर कहां दिक्कत है भाई, लो जी ये रस्सी लटका दी, ये एक मास M, दूसरा मास M, किस किस प्रकार से मास लिए इसने अगले ने, साफ कहता है M1 ऊपर है और M2 नीचे है, लो जी ये M1 है ये M2 है, बस डियर मजा आ गया बात का यार, ये तेरा इधर F, इधर तेरा T, इधर तेरा T, बॉडी नीचे की ओर आ रही है किससे ए से, क्रू स्टार्ट कुछ करना ही नहीं डियर, हो जा स्टार्ट, देख टी माइनस एफ इक्वल टू एम वन ए, और इधर एम टू जी माइनस टी बराबर एम टू ए, एफ वही फंडा रिप्लेस म्यू एम वन जी, म्यू एम वन जी, ओके ठीक है डियर। अब आप एफ की वैल्यू पुट करें तो देखो t माइनस म्यू एम वन जी इक्वल टू एम वन ए,
अब अपने जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें कहीं ए नहीं है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसका ए फाइंड आउट करना होगा, ठीक है डियर। तो ए फाइंड आउट करने के बाद ही हम इस सिस्टम पे टी की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है डियर। तो आ जाओ जी, ए निकालते हैं हम यहां से। अब एक बात याद रखो कि इस प्रकार की जब जो दो बॉडी है उसका ए निकलेगा, ए निकलने के बाद वो रिप्लेस होगा, फिर टी निकलेगा, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट में कहीं भी ए की वैल्यू नहीं आ रही है। ओके डियर, अब आप यदि इन दोनों चीजों को एक साथ करें तो आप देखें ये टी टी आपका कैंसल आउट हो गया, ये क्या है एम टू जी माइनस एफ इक्वल टू एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई ए। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू जानता है डियर एम टू जी माइनस म्यू एम वन, यस देखना म्यू एम वन जी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई ए। तो डियर ए का फॉर्मूला क्या आया एम टू माइनस म्यू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, देखो एम टू माइनस म्यू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी, ये किसकी वैल्यू आ गई ए की। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये आपको याद रखना होता है, बड़ा द्रव्यमान माइनस छोटा द्रव्यमान अपॉन बड़ा, दोनों का जोड़ और जी से मल्टीप्लाई कर दो। और यहां फ्रिक्शन है, इसलिए किस पे फ्रिक्शन है एम वन पे है, इसलिए म्यू किस से मल्टीप्लाई होगा एम वन से। इस पे पुली का बहुत अच्छा एफडी बनता है, उस पे आऊंगा देखो अभी थोड़ी देर बाद में। अब आ जाओ टी चाहिए ना, तो आ जा टी इक्वल टू क्या है एम वन ए, ए क्या है एम टू माइनस म्यू एम वन अपॉन एम वन प्लस टी इक्वल टू एम वन ए। ए बोले तो एम टू माइनस म्यू एम वन एम वन एम टू किससे मल्टीप्लाई करना है जी से, प्लस ये तेरा म्यू एम वन जी इधर ले ले। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस डियर इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसको दोबारा करना पड़ेगा, पड़ेगा सॉल्यूशन कर देखना पड़ेगा पहले। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 AIPMT 2015 में आया हुआ है, फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, वही आपका टेबल है, बट टेबल पे इस बार वही फ्रिक्शन है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। प्रश्न को देख लो कि ए ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है जिसका मास M1 है, दूसरा कोई बी गुटका है वो लटका हुआ है जिसका मास M2 है, और म्यू की फ्रिक्शन है। आपको इस सिस्टम का दोस्तों टेंशन निकालना है। ओके चलो पेज खाली करें, मैं FBD पे आ जाता हूं भैया। देखो डियर साथ हो जाए मेरे भैया, ये एक बॉडी M1, ये आपकी पुली, इस पे आपकी दूसरी बॉडी M2, नीचे की ओर G लग रहा है, ये बॉडी ओवरऑल A से नीचे की ओर आ रही है। देखो इसमें T इधर लगेगा, T इधर लगेगा, और डियर ये मैं इसको शो कर दूं, ये मेरा ड्यू टू फ्रिक्शन है। F नहीं होता तब याद कुछ होता ही नहीं यहाँ पर, बस फ्रिक्शन आते कहानी चेंज होती है। अब इसकी FBD इक्वेशन बनाते हैं, शुरू करूं, आ जाओ जी। तो तेरे सामने सामने है एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए, और वो क्या है टी माइनस एफ इक्वल टू एम वन ए। और एफ दोस्तों हमारा हमेशा क्या होता है म्यू आर होता है, और आर किसका है एम जी, तो एम जी कौन एक्चुअली में एम वन जी है। ओके तो टी माइनस म्यू एम वन जी इक्वल टू एम वन ए, क्लियर। तो ये आपके सामने इसकी दो इक्वेशन हो गई, एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए, टी माइनस एफ इक्वल टू एम वन ए, और टी माइनस म्यू एम वन जी इक्वल टू एम वन ए। ये आपके सामने व्यवस्था होगी, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका दोस्तों टी निकालना है, ठीक है डियर। आपको इसका ये तो दोनों एक ही चीज है ना, तो इसका मॉडिफाई रूप है, तो अब मुझे इसका टी निकालना है डियर। तो टी निकालने से मुझे मेरे फॉर्मूले में कहीं भी ए नहीं है, तो सबसे पहले मुझे इसका ए निकालना होगा, ए निकाल के टी में उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो चलो हम आलस नहीं करेंगे, हम इसको पूरा करना चाहेंगे, ठीक है डियर। आ जाओ कैसे पूरा करेंगे, स्टार्ट हो जाओ भैया। एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए, सीधा कर दूंगा मैं, टी माइनस
म्यू एम वन जी इक्वल टू एम वन ए, लो जी ए ये कैंसिल आउट हो गया ना, पूरा कर रहा हूं तेरे सामने भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन जरूरी है बच्चे के लिए, सब जरूरी है भैया, ठीक है डियर। एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई ए, तो दोस्तों ए बिकेम्स एम टू माइनस म्यू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी। यहां क्लास रुकना एक बार, ये टेबल का फॉर्मेट था। अब यदि ध्यान चाहो क्लास का, यदि यहां फ्रिक्शन नहीं होता दोस्तों, यदि यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी इक्वेशन बनेगी, प्लीज ये मैं बोल रहा हूं सुनना आपको पड़े, यदि टेबल पे घर्षण नहीं है तो इसकी इक्वेशन बनती एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए और टी जस्ट इक्वल टू एम वन ए और एम टू जी माइनस एम वन ए इक्वल टू एम टू ए, उसको इधर रिप्लेस करूंगा तो ए इक्वल टू बनता है एम टू एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी। प्लीज ध्यान देने बातों पे, एक साथ लपेट रहा हूं मैं, फ्रिक्शन होता है तो एम टू बड़ा द्रव्यमान, बड़ा द्रव्यमान माइनस छोटा द्रव्यमान फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के साथ टोटल करके जिसे मल्टीप्लाई कर दो। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो दोस्तों एम वन का कोई रोल नहीं है। यहां जो मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लो लगे हाथी, मैं यहां एक चीज और लपेटता हूं आपके लिए, आप उसको भी देखें दोस्तों, क्या आ जाओ याद आ रहा है, टेबल के दो फॉर्मेट है, एक टेबल पे तब जब टेबल का फ्रिक्शन नहीं है, एक टेबल का फ्रिक्शन है। तो जब टेबल पे फ्रिक्शन नहीं है और मास मान लो M2 लटका हुआ है नीचे, ऊपर आपका रखा हुआ M1, ठीक है डियर, तो A इक्वल टू बन जाएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G। और दोस्तों जब फ्रिक्शन आ गया और M2 नीचे लटका हुआ है, ऊपर M1 रखा हुआ है, तो वो M2 माइनस म्यू M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G, जिसका डिस्कस आपसे भी किया मैंने। अब इसको मैं एक इस नए लाता हूं फॉर्मेट में, वही बात M1 M2 ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ओवरऑल सिस्टम किधर आ रहा है A, वही कहानी M2 ग्रेटर देन M1, इनको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये आप समझ गए ना, तो अप्रैल का महीना ही ट्रिक्स करनी पड़ेंगी दोस्तों, इक्वेशन बनाओ आ जाओ। M2 G माइनस टी इक्वल टू एम टू ए, वही ध्यान है एक क्वेश्चन में दो ए होते ही नहीं है। आगे चलें, टी माइनस एम वन जी इक्वल टू एम वन ए, ले भाई सल्टा दे, एम टू जी माइनस एम वन जी एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई ए, यार मजा आता बोल के, एम टू माइनस एम वन बटे एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी, ले उसको ले गया टेबल पे। यदि मैं इसको टेबल बुला दूंगा ऐसे और टेबल फ्रिक्शन लेस है तो ये एम वन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि और टेबल पे ऊपर एम वन रखा और फ्रिक्शन है, तो यह क्या बन गया था याद है, एम टू माइनस म्यू एम वन बटे एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी, क्लियर। ये इसका आसपास का कॉन्सेप्ट था। अब मैं इस अपनी बात को लेकर आता हूं दोस्तों अपने प्रश्न पे। तो अपना प्रश्न क्या कहता है, अपना प्रश्न कहता है मास M1 पुली, मास M2 नीचे की ओर, A आपके सामने, ये आपका F, कहने की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अच्छा, अगला पूछ क्या रहा मुझसे इसमें, अगला मुझसे इसमें क्या पूछ रहा है, टेंशन। तो A का फॉर्मूला बता दिया आपको मैंने, बोलो बोलो A क्या बनेगा, रहे जरा बोलना, M2 माइनस म्यू M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई Z। हेलो, ये क्या आ गया A, इसको हम T में कन्वर्ट कर देते हैं, तो T में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों ये T है ना यहां पर, ये भी T, T कोई दिक्कत नहीं है। तो T माइनस F इक्वल टू क्या है M1 A, और एक इक्वेशन क्या आ रहा है M2 G माइनस T इक्वल टू M2 A, तो आप इसमें A की वैल्यू पुट कर लो। तो दोस्तों वैल्यू पुट करने के बाद सारा गुणा भाग करोगे तो आपका इसका ऑब्जेक्ट नंबर आएगा चार,
बिल्कुल आप करके देख लें, एग्जैक्टली आता है। ओके थैंक यू। हाँ डियर, ये क्वेश्चन है, कोई कार आर त्रिज्या के वक्री सड़क पर गतिमान है, सड़क कोण थीटा झुकी है, कार के टायर सड़क के बीच के घर्षण गुणांक में, इस सड़क पे अधिकतम सुरक्षित चाल, इसको एग्जाम में करना करते पॉसिबल नहीं है। ये एक्सटेंड फॉर्मूला है जो आपको हर हाल में दोस्तों याद करना होगा, जिसका आंसर नंबर फर्स्ट है, इसमें ज्यादा अपन दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सेफ स्पीड बोलते हैं, जो आपको 100% लास्ट आफ्टर डेरिवेशन याद रखना होता है। ओके थैंक यू। ओके डियर, क्वेश्चन 42 and 18 में आया है, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन, पढ़ो लो पूरा। आपको असत्य कथन क्या है, प्लीज, एक तो ये सत्य और असत्य, करेक्ट इनकरेक्ट लेके बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना इनकरेक्ट। फर्स्ट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, क्या है, सही है। ओके सेकेंड है, कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, सर्पी घर्षण गुणांक बीमा लंबाई की समान, ना जी कभी नहीं होती, ये बात क्या होगी आपकी, असत्य हो गई। इसलिए तो आंसर सही कौन सा हो गया, आंसर सही आपका क्या हो गया, इसका सेकंड हो गया दोस्तों। ओके थैंक यू। हाँ डियर, ये फ्रिक्शन पे एक अच्छा क्वेश्चन है, 19 में आया भी है। देखो फ्रिक्शन थोड़ा सा टफ होता है नीट के बच्चे के लिए, क्योंकि आई टी में काम आता रहता है, लेकिन फिर भी हमने 3-4 क्वेश्चन करके देखे हैं, वो सारे क्वेश्चन किसके थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थे। हकीकत देखा जाए तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अलावा कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ये जरूर अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये देखो प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को बाद में पढ़ते हैं। ऐसा कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर की दीवार पे कोई एक गुटका है, हम इसको ऐसे घुमाएं तो गुटका गिरे नहीं, बस इसकी कंडीशन बतानी है। जैसे आप देखो ना, कई बार मौत के कुएं में लोग बाइक चलाते हैं, वो गिरते नहीं है, बस सेम कहानी है। लो मैं डायग्राम बना के आपको समझा दूं इसको। ये दोस्तों हमारा सिलेंडर है, ये इसकी अक्ष है जिसके प्रति रोटेट हो रहा है, और ये कोई यहां एक ब्लॉक है जो चिपका हुआ है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसके ऊपर 4 फोर्स काम करेंगे। ये ऐसे है, ये तो दुनिया का होता है, ये एम जी नीचे की ओर। अब ये नीचे की ओर मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन हमेशा किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, किससे बैलेंस करोगे, एन से। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अभी गिरे नहीं। इसकी शर्त क्या है कि जो एफ है वो आपका एम जी से बड़ा हो या इक्विवेलेंट हो, सीधी सी बात है। एफ ऊपर की ओर खींच रहा है, mg इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो गिरे नहीं, उसकी कंडीशन है इक्विवेलेंट कर दो या इससे बड़ा कर दो। तो आपको दोस्तों ये कहना होगा कि f इज ऑलवेज ग्रेटर देन mg, कोई दिक्कत नहीं, f ग्रेटर देन कर दो, इक्वल टू कर दो, भी ग्रेटर देन कर दो, ऊपर खिसक सकता है, तो एग्जैक्ट बैलेंस है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू की कहानी कह देंगे। अब f कौन है, फ्रिक्शन फोर्स, जो हमेशा क्या होता है, म्यू एन, जो हमेशा क्या होता है, म्यू एन, तो म्यू तो है एन, एन किससे बैलेंस हो रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर से, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लेस देन ये तरह एम जी, तो एम से एम कैंसिल आउट करो, तो ये कहता है कि निम्नतम कोणीय वेग बताओ इसका, ओमेगा निकालना ना अपने को, तो ओके डियर अपन आप देख रहे हैं तो आपके सामने म्यू आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू या ग्रेटर देन जी, तो ओमेगा इक्वल टू ग्रेटर देन रूट जी म्यू आर, तो ओमेगा इक्वल ग्रेटर देन जी की वैल्यू आप दोस्तों 10 मान लो, म्यू की वैल्यू 0.1 दी है, आर की वैल्यू 1 मीटर दी है, इसको ऊपर ले जाओ ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, नोट 10 रेडियन पर सेकेंड, इसका आंसर हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट। और मैं कह सकता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर समझ लें, सिलेंडर रोटेट कर रहा है, गुटका यहां चिपका हुआ है, एक फोर्स ऊपर की ओर नीचे की ओर इक्विवेलेंट जीरो, बाहर की ओर अंदर की ओर इक्विवेलेंट जीरो, तभी तो समय स्तम रहेगा ना, इक्विलिब्रियम कब रहेगा, तो सारे फोर्स जीरो हो। तो दोस्तों हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा इसको, सारे फोर्सेज एफ को एम जी इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, और कंडीशन क्या है कि एफ जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन एम जी होना चाहिए, ताकि वो वहां स्लिप नहीं हो इनकी वैल्यू। और एफ रिप्लेस क्या होता है, म्यू एन, एफ रिप्लेस एन बोल दो, आर बोल दो, की बात है, आर का मतलब भी वही है, एन का मतलब नॉर्मल मतलब लंबवत होता है, और वो म्यू एम जी से रिप्लेस कर दिया हमने, सामने आ गया। ओके डियर थैंक यू। ओके डियर अब टॉपिक चेंज हो रहा है, वर्क एनर्जी पावर पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन पे थे, अब वर्क एनर्जी पावर पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 44,
नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, यानी हम 43 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं दोस्तों। 5 को किया, 6 को किया, आज 7 तारीख, आज थर्ड लेक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं जो आपको अभी मिल रहा है, ठीक है ना। ओके डियर, अगला साहब कहता है किसी कण का मास 2 kg है, 3i+j न्यूटन का एक फोर्स है, उसकी पोजीशन 2i+k से 4i+3j-k पे शिफ्ट होता है, तो इस फोर्स द्वारा किया गया वर्क बताओ। देखो दोस्तों, वर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है F·dS। डॉट का जानते हो, फोर्स वेक्टर, ds वेक्टर, डॉट लगाते क्या बन गया, स्केलर, F तो दे रखा है दोस्तों। ds एक मास्टर फंड है मेरा, ये हमेशा s फाइनल माइनस s इनिशियल होगा भाई, इसमें दिमाग लगाना है मत भाई। जब जब किसी चीज का चेंज करते हैं फिजिक्स में, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होती है बस। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, इसका सिंपली करना, आपको डॉट f क्या है भैया देखना जरा, ये पड़ा 3i+j कैप, ओके, डॉट फाइनल क्या है 4i, इनिशियल क्या है 2i, तो दोस्तों मैं साइड में पहले इसको अलग से कर दूं आपको, तो लो 4i+3j-k, इसमें मुझे माइनस करना है 2i+k, तो ये मेरा, इसको मुझे माइनस करना है इसमें से, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या बन गया 2i+3j, ये जीरो हो गया, तो 2i+3j बन गया, ये ले बिडू, ये 2i+3j बन गया। अब तेरे सामने सामने है, अच्छा i डॉट i जानते हैं ना अपन, i डॉट i की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3i क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 3, 9, आंसर क्या आ गया 9 जूल, ओके थैंक यू। हां तो डियर, अब मैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, चट्टान का फटना, बम का फटना, यानी एक तरह से कोलिजन है दोस्तों। आप जानते हो कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या नॉन इलास्टिक हो, मोमेंटम का हमेशा क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, ठीक है, यानी घटना से पहले, मेरा फंडा है मेरा, घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग, मोमेंटम बिफोर फिनोमिना, मोमेंटम आफ्टर फिनोमिना, बस इसको सही करना। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का जोड़ करना है या वेक्टर को अप्लाई करना है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं दोस्तों। आ जाओ, मेरा प्री क्वेश्चन है, आ जाते हैं। देखो साफ कहता है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स ईच अदर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, स्पीड ऑफ 12 m/s, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मास 2 kg, 8 m/s, इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ 4 m/s, देन इट मास इज, दोस्त सुन ले भैया, एक कोई बम का टुकड़ा है यार, ये 3 टुकड़ों में फटा, ठीक है, पेज खाली करना, 3 टुकड़ों में फटा दोस्तों, और 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत चले गए, परपेंडिकुलर चले गए ऐसे, तो ये साफ कहता है कि तीसरा टुकड़ा इस वेग से गया है, तो बताओ तीसरे टुकड़े का मास क्या है। वापस क्वेश्चन पे आए दोस्तों, एक टुकड़ा है वो आपके सामने एक दूसरे से समकोण पे, एक का मास है 1 kg, इसकी वैल्यू मान लो 1 kg है, और इसकी वेलोसिटी क्या है डियर 12 m/s, दूसरे का मास क्या है 2 kg, और इसकी दोस्तों स्पीड आपके सामने क्या है 8 m/s, बोलो हाँ या ना, और थर्ड टुकड़ा है वो 4 m/s से जा रहा है आगे निकाले, तो ये किधर जाएगा दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है, टुकड़ा पहली बात तो इधर जाएगा, इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, जिसकी स्पीड क्या है 4 m/s, आपको इसका मास निकालना है, क्लियर डियर। एक चट्टान थी, एक चट्टान है, ब्लास्ट हो गई, कोई भी चीज ब्लास्ट हो गई, उसके 2 टुकड़े बने, एक 1 kg का टुकड़ा 12 m/s से गया, दूसरा 2 kg टुकड़ा 8 m/s से गया, थर्ड टुकड़ा 4 m/s से जाएगा, और किस वेग से। देख डियर, ये तेरा कोण है P1 मोमेंटम, ये कोण है P2 मोमेंटम, ये ले, ये दोस्तों इसका रिजल्टेंट P आ गया, आ गया कैसे आएगा, P1² + P2² निकाल, P1 क्या होगा, PM भी होता है, तो दिस इज 12², ये दोस्तों 4, ये आपका MV, तो 8 × 2 = 16, तो आपका किसका हो गया भैया 16² हो गया, ठीक है डियर, तो इसको अपन सीधा सोल्व कर दें, ये 16² है, तो दोस्तों P की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 20, कहने की बात ही ना, सोल्व कर ले भाई। अब P की वैल्यू दोस्तों इधर 20 है, फिनोमेना से पहले मोमेंटम क्या था 0, उसके बाद भी 0 करना है, तो कोई वेक्टर इधर 20 है, वो 0 कब होगा, तो इधर भी वेक्टर क्या होगा 20, तो ये दोस्तों 20 = m / v
20, m मुझे निकालना है, v है मेरा 4, मल्टीप्लाई कर ले भाई, तो m की वैल्यू क्या आ गई माय डियर, 5 केजी। अब बता इससे आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता भाई, और एक बार रुक फिर से, बहुत क्वेश्चन है। तीन टुकड़े हुए, दो परपेंडिकुलर गए, उनका मोमेंट निकाल दो, इसके इक्वल कर दो। क्यों? क्यों? घटना से पहले आपका ये बम या पिंड क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। घटना से पहले, फटने से पहले कुल मोमेंटम क्या है, जीरो, तो घटना के बाद भी कुल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। इज इट क्लियर? ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सेम है जो पहले किया, 45 किया, सेम का सेम दोस्तों 46 है। आ जाओ पढ़ो पूरा, इसकी थोड़ी इंग्लिश में मिस्टेक, आप हिंदी में थोड़ा मिस्टेक इंग्लिश पढ़े। ए बॉडी ऑफ मास 4 इज लाइन एक्स वाई प्लेन, देखो डियर ये कोई बॉडी है, एक्स वाई प्लेन में रेस्ट में है, इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेज, 2 पीसेज ईच ऑफ मास एम मूव परपेंडिकुलर। देखो वही सेम कहानी, बड़ा मजा क्वेश्चन है, ये लो परपेंडिकुलर चले गए ईच अदर विथ इक्वल स्पीड, स्पीड भी इक्वल होगी तो वी वी। ओके डियर, द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन, इस दोस्तों विस्फोट में कुल एनर्जी काइनेटिक कितने पैदा हुई, ये बात तो अपने करनी है। आजा भैया देख डियर, बहुत स्पष्ट बात है, ये मास m, ये मास m, तो इन दोनों के कारण परिणामी रिजल्टेंट मोमेंटम क्या इधर आएगा, वो कितना आएगा, ये तेरा कोण है p, ये तेरा कोण है p, थोड़ा सा तेरे शॉर्ट कर दूं, ये इसको p डैश कह दे, ये भी तेरा क्या है p, ये भी है p, तो जानता इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता, रूट टू पर पढ़ाया था आपको, मेरी फर्स्ट क्लास है, चेक करें, एक r वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो क्या होता है, रूट टू आर वेक्टर, काम आ गया ना, देखो तो पी डैश इक्वल टू रूट टू, और पी क्या है, एम मल्टीप्लाई वी। लो दोस्तों ये आपका, तो पहली बात तो थर्ड बॉडी जो है वो इधर जाएगी, और इधर जो जाएगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, रूट टू एम वी, लेकिन मास और वी अलग अलग है तो इसके पीछे एम वन एम टू लगाना पड़ेगा अपने को। तो दोस्तों इसका मास क्या है, जब 4m का था तो mm का है, तो ये 2m है, इसकी वैल्यू क्या मान लो आप, वी डैश, इतना डायरेक्ट कर सकता हूं यार, इतना समझ सकते हो आप लोग, 2m v डैश इक्वल टू रूट 2m v, mm कैंसिल आउट, तो माय डियर v डैश इक्वल टू v अपॉन रूट 2। ये लो जी, यानी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v, सेकंड की कितनी है, v, थर्ड की कितनी है, v बाय रूट 2। अगला कहता टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आजा भैया फर्स्ट की क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, सेकंड की क्या होगी डियर, हाफ एम वी स्क्वायर, थर्ड की क्या होगी, हाफ एम बोले तो 2m, वी स्क्वायर बोले तो वी स्क्वायर बाय 2। देख डियर 2 से 2 कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये ले बिड़ो 3/2 एम वी स्क्वायर, ये ले तेरा आंसर क्या हो गया, सेकंड। बोता 45 और 46 में फर्क है, दोनों सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा ना ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो एज इट रिपीट होते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 47 डायरेक्ट है, मुझे आज भी याद है जब 2015 के बच्चे एग्जाम दे के आए थे, रास्ते में से की बना रहे थे, तो आज भी याद इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा एग्जाम में। आ जाओ जी, साफ कहता टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी v2 u1, ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड ऑफ हायर लेवल आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी एप्सिलॉन, इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी v1 v2 देन वी मस्ट हैव। दोस्तों देखो ये सीधा सा तरीका है, मैं इस पे भी अभी पूरी बात आपसे करूंगा। देखो डियर ये u1, ये v2, ये v1, ये v2, ठीक है डियर, बिल्कुल स्पष्ट है, घटना से पहले घटना के बाद, तो पहले एनर्जी क्या है, हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर, बाद में क्या, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, और अगला साफ कहता है यार कि एप्सिलॉन एनर्जी जो है, स्पष्ट कह रहा है, देखो आप इसमें पढ़े बहुत ढंग से, अगला साफ कहता है आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी एप्सिलॉन हायर लेवल एक्साइट होकर इतनी ऊर्जा बाहर चली गई, यानी घटना के बाद की बात है ना, तो इधर इसको करोगे तो प्लस आ जाएगी, इधर करोगे तो ये माइनस हो जाएगी, कहीं कोई फर्क नहीं, इसका आपका आंसर चौथा हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी जो है, वैसे आप जानते हो कि एनर्जी ही इस बात को डिफाइन करती है कि आपकी फिनोमिना, आपकी कोलिजन जो है वो इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है। ओके डियर, तो ये आपकी इस पे एक क्वेश्चन था, कोलिजन पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ तो डियर ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये वाकई एक अच्छा न्यूमेरिकल है, बस एक बार एग्जाम में दिमाग हिट कर जाए इसके ऊपर, फिर आप जैसा कहता है वैसे करते जाओ। इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, डब्ल्यू दोस्तों एफ डॉट एस बाई टी होता है, और एस बाई टी वी होता है, तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों,
पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है, ये एक फॉर्मूला मेरे काम आएगा। अब आ जाओ यहां क्या कहता है कि एम मास की का कोई कण है, उसको एक मशीन उस पर अप्लाई कर रही है, मशीन इसको के पावर देती है, तो ये कण विराम से प्रारंभ करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो कहता है टी समय पे इस कण पे बल कितना होगा, ठीक है डियर, पावर किससे है, के से, और टी समय के बाद आपको इसका बल पूछता है, अगला हमसे फोर्स पूछना चाह रहा है, तो प्लीज आ जाए। तो निश्चित रूप से डियर जैसे कहता अगला, हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है एफ वी, पावर की वैल्यू के एफ V, ओके डियर, सारे स्टेप लिखता हूं आपके लिए। F क्या होता है, एम ए वी, बट A का तो कोई रोल है ही नहीं यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं, A को आप दोस्तों कन्वर्ट कर लो डीवी बाई डी टी के फॉर्मेट में, कर लिया, ओके okay? अब आप जानते हो इस डी टी को इधर, सारा खेल किसका है, टाइम चेंज हो रहा है और V चेंज, सीधी सी बात, पावर लग रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके okay? तो ये तेरा क्या बनेगा फिर इधर, एम वी डी वी। अब एक स्टेप और नोट कर लूं, इसका कर दे इंटीग्रेशन कहां से, जीरो से टी तक, और इसका एम वी डी वी कहां से कहां, जीरो से वी तक। यहां जीरो क्यों लिया, क्योंकि अगला साफ कहता है पहले पार्टिकल क्या भैया, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है डियर। बस अब आपने इसको आगे बढ़ाए तो तेरे सामने है के तो कॉन्स्टेंट है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन डी होगा, एम को बाहर निकाल, इसका क्या होगा वी स्क्वायर बाई टू होगा, वो अपर माइनस लोअर करेंगे तो आई थिंक अब कर लोगे तुम लोग इतना, तो v इक्वल टू आ गया 2 के टी एम का अंडर द रूट। ये आपके सामने सामने डियर किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए फोर्स। आ जा वापस से, p इक्वल टू क्या था एफ वी, पी कौन है के एफ वी, बस मैं तेरी बात कर रहा हूं भाई, अब आ जा के अपोन वी, वी क्या है रूट 2 के टी का भी रूट है, और ऊपर दोस्तों एक एम उसका भी रूट है, ये के है ऊपर जाएगा तो सब कुछ रूट में आ जाएगा, देखो ये ऊपर भी के आ गया, एम आ गया और 2 आ गया और टी आ गया। अब ऐसा इसमें जो लॉजिक है वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा एम ऊपर है के ऊपर है, दो इंच रख लिया टी रूट में दोस्तों ऊपर ले गए, तो इसका आंसर आपका आ गया 48 का दोस्तों सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके थैंक यू। हाँ तो डियर ये क्वेश्चन 49 AIPMT 2015 में आया हुआ है, बात स्टार्ट करते हैं। अगला साफ कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स एफ 0.1 एक्स जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम एक्स 20 टू 30 मीटर इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। दोस्तों सीधी सी बात है, एक बॉडी रखी हुई है 10 मीटर पर सेकंड से, वो 10 केजी मास की बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उस पर आपने ब्रेक लगा दिया तो 20 मीटर से 30 मीटर तक इसके ब्रेक रहे, तो कहता काइनेटिक एनर्जी का फाइनल मान क्या होगा। दोस्तों जब जब इस तरह की बात आती है हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य से ऊर्जा होती ऊर्जा से कार्य होता है। इसको थोड़ा सा अपना और मॉडिफाई करें तो अपना मास्टर फंडा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और W दोस्तों हमेशा क्या होता है F डॉट dx, क्योंकि यहां किस पे मूव कर रहा है अगला x पे मूव कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट का किस पे लेंगे x पे लेंगे, ओके k फाइनल आपको निकालना है, व्हाट इज k इनिशियल, k इनिशियल हाफ m v स्क्वायर, मतलब सीधा त्रिकोण कर दूं F डॉट dx k फाइनल को अपन k फाइनल रखेंगे माइनस हाफ M दोस्तों क्या है 10, V भी क्या है 10 स्क्वायर कर दो तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और अब तक जो यहां तक का इसका डिस्कस हुआ वो हो गया F dx इक्वल टू K फाइनल माइनस 500, ओके डियर। अब आपको चेंज चाहिए तो इसका टोटली यहां से कहां से कहां 22 30 तक का इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो 22 30 F का मान है माइनस डायग्नोसिस का रिटार्डिंग फोर्स से माइनस आएगा माइनस 0.1 एक्स डी एक्स इक्वल टू के एफ माइनस 500। ये नीट के स्टूडेंट है तो पूरा करता हूं आपके लिए मैं। दोस्तों माइनस बाहर रखो 0.1 बाहर रखो और अंदर क्या बचा एक्स डी एक्स 22 30 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500। ये मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं भाई। अब देखो x का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू कहां से कहां 20 से 30 तक माइनस 0.1
इक्वल टू के फाइनल माइनस 500, इज इट क्लियर? अब इन सब की वैल्यू पुट कर लो, पूरा कर दूं आपके लिए यार, माइनस 0.1, दोस्तों आप जानते हो ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, 30 का स्क्वायर 900, लो यार पूरा कर लो, 900 माइनस बटे 2, ये 400 अपॉन 2 के 5 माइनस 500, अब तो सीधा कर दूं भाई, ये तेरा 450 है, 200 है, कितना बचा 250, इक्वल टू के एफ माइनस 500, अब तो हो गया ना, ये तेरा 25 है, इधर जाएगा 475, ओके क्लियर, थैंक यू। तो हाँ दोस्तों, आज 7 अप्रैल को हमने क्वेश्चन आपको 49 तक सोल्व कर दिए हैं, ठीक है डियर, इनको अपलोड करेंगे क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन फिर अपलोड होने में थोड़ी सी फाइल भारी हो जाती है। तो आज हमने प्रयास किया, फ्रिक्शन पे काम किया, वर्क पावर एनर्जी पे काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कल कंप्लीट किया जाएगा। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले सारे बच्चों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि बेटा मेरा मकसद इन प्रश्नों के माध्यम से हल्की फुल्की थ्योरी को लेते हुए और नीट के सारे पेपर्स आपको सोल्व करके दे दे जाएं, क्योंकि मेरा अनुभव यह कहता है कि 2013 से 2019 तक के नीट के सारे क्वेश्चन भी आप ढंग से कर लेते हो तो 2020 में 40 क्वेश्चन तो आपको एजिट वहां से मिल जाएंगे। ये मैं कोई प्राउड से नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पिछले 20-22 साल के अनुभव से कह रहा हूं, ठीक है डियर। तो ओके, हम शाम को 6:30 बजे रोज मिलते हैं लाइव, जिसमें आपको आना ही होता है। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो 9992873888 मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, आप मुझे वीडियो कॉल कर लें, और कॉल प्लीज वीडियो कॉल ही करें ताकि मैं आपका चेहरा पहचान पाऊं, क्योंकि सिंपली कॉल मुझे पता नहीं चलता बच्चा कौन सा है, ठीक है डियर। तो वीडियो कॉल से बात करें, ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। ओके नमस्कार, जय श्री।